4 जून वर्ष 1959 में स्वतंत्र पार्टी नाम की एक नई राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया गया। इसका गठन भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रहे भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने साथियों एनजी रंगा और मीनू मसानी जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर किया। इस पार्टी की नींव देश में लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष तैयार करने के लिए की गई थी। भारतीय लोकतंत्र में उदारवादी समाजवाद के विचारों से प्रेरित ये पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों और नीतियों के खिलाफ थी। इस पार्टी ने नेहरू द्वारा लाए गए लाइसेंस परमिट राज के खिलाफ वकालत की, साथ ही उस समय कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। स्वतंत्र पार्टी 1959 से 1974 तक अस्तित्व में रही। वर्ष 1974 में इस पार्टी का विलय भारतीय लोकदल में किया गया।